खबर यूपी के बलिया से, जहां पर बलिया जनपद के रसड़ा विधानसभा से बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी में 200% गठबंधन की बात कही। दोनों एक के पूरक हैं। समाजवादी नहीं रहे तो भाजपा, और भाजपा नहीं है तो समाजवादी नहीं। एक हिंदू को डराते हैं, एक मुस्लिम को डराते हैं। डराकर दोनों लोग अपना अपना काम करते हैं। वहीं बीजेपी की मंत्री स्वाति सिंह ने कहा कि 2017 में यहां से भाषण दे रही थी और कहा कि उमाशंकर को नहीं हराएंगे तो मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। जब रसड़ा में आते हैं तो डिवाइडर पर अच्छे पौधे और लाइट देखते हैं तो सेल्फी भी खिंचवाते हैं। विधायक ने कहा कि जो रसड़ा में आएगा उसे शहीद होने से कौन रोक सकता है। अंदर से है इनका जी, बीजेपी और समाजवादी का बिल्कुल है, 200% है। भाई दोनों में एक दूसरे के पूरक है। समाजवादी न रहे तो भाजपा नहीं है, भाजपा न रहे तो समाजवादी रही है। एक एक हिंदू को डराते हैं, एक मुस्लिम को डराते हैं, और डरा के दोनों लोग अपना अपना काम करते हैं। दोनों लोग डरा करके करने वाले हैं। और यहाँ पे कोई रसना से आए उनका स्वागत है। हमारी जनता भाई पहले लोग आएंगे तो बॉर्डर पे फूल माला करेगी और फिर 10 तारीख को जो कुछ है उसी तरह से फिर विदा कर देगी। यहाँ पे तो स्वागत है। तो पिछली बार 2017 के चुनाव में यहाँ भाषण दे रही थी और भाषण में उन्होंने कहा था यही रसना में कि अगर आप लोग उस उमाशंकर को नहीं हराएंगे, उमाशंकरा को, ऐसे उन्होंने बोला था, तो फिर अगर नहीं हराएंगे तो फिर मैं रसना में मुंह नहीं दिखाऊंगी। जैसे लग रहा था कि रसना के लोग बिना उनके बिना कितना परेशान है, मैं रसना में कदम नहीं रखूंगी। तो कहें तो बलियां जाती हैं इसी रास्ते से, रसना ही होके जाना है। और जो जब हमारे डिवाइडर पर अच्छे पौधे और अच्छी लाइटें दिखती हैं तो उस पर सेल्फी भी खींचते हैं लोग।